गाइस, शिवरात्रि की शुभकामना सबको। और आज शिवरात्रि के साथ साथ मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो मैं इसलिए पायस बना रही हूँ उनके लिए। ये एक्चुअली वेडनेसडे को मैं बनाई थी, रात को 12 बजे उनको विश करने के लिए। और सुबह उठकर मैं बना रही हूँ केक, और ये बिल्कुल ब्रथ फ्रेंडली है। तो चलो आपको बताती हूँ कैसे मैं ब्रथ फ्रेंडली केक बनाया। तो उसके लिए मैं वालनट एंड काजू को ये किया, एकदम पाउडर कर लिया। पहले मैं ग्राइंडर में कोशिश किया तो ये बहुत चिपक रहा है ग्राइंडर के अंदर। तो फिर मैं इसको चॉपर में ट्राई किया, तो चॉपर में बहुत अच्छे से मेरे पाउडर हो गया। और उसके बाद केक टिन में थोड़ी सी बटर लगाकर उसके ऊपर बटर पेपर लगाया। अगर बटर लगा के फिर आप उसके ऊपर बटर पेपर सेट करोगे ना, तो आपका बटर पेपर बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो ये एक टिप्स है। ऊपर से मैं थोड़ी सी और बटर लगा दूंगी, और उसके ऊपर पूरा जो भी मैं नट्स को पाउडर किया था ना, सब अच्छे से उसके ऊपर कुछ इस तरह से सेट किया। उसके बाद ये देखो, ये पूरा सेट हो चुके हैं। और ये बिल्कुल भी आप इसको पलटोगे ना तब भी नहीं गिरेगा, एकदम अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो ये अभी रेडी है फ्रिज के अंदर जाने के लिए। फ्रिज के अंदर 30 मिनट के लिए रखूंगी। 30 मिनट बाद इसको निकलकर इसके ऊपर दूसरी लेयर जाने वाले हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्रीम चीज लिया है और उसको थोड़ी सी मैं मैश्ड कर लूंगी। और उसके बाद इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी मिल्क एंड पाउडर्ड शुगर। तो क्रीम चीज को मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ उधर। यहाँ पर मैं 1 कप क्रीम चीज यूज कर रही हूँ, एंड उसके बाद उसमें मैं 1/4 कप मिल्क ऐड करूंगी। मैं रेडीमेड पाउडर शुगर यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो घर पे भी पाउडर शुगर आराम से बना सकते हो। पाउडर शुगर के साथ साथ इधर मैं 1 चम्मच कॉफी पाउडर ऐड करूंगी थोड़ी सी फ्लेवर के लिए। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप किसी भी फ्लेवर आपकी पसंद से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ी सी सॉल्ट यूज कर रही हूँ। किसी भी मीठी चीज पे आप थोड़ी सी सॉल्ट अगर डालते हो तो टेस्ट को बहुत एनहेंस करते हैं। यह है आज की दूसरी टिप्स। और यहाँ पर मैं मिक्सी में जो हेवी क्रीम जो मार्केट में मिलता है वो लेकर आई हूँ। उसको मैं मिक्सी में करीबन 1.5 कप मिल्क को मैं मिक्सी में थोड़ी सी व्हिप किया, और ये बन गया मेरा व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल इस तरह से। ये अगर मिक्सी को पलटने के बाद ये नहीं गिरता है तो मान लो आपका व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं बोल में जो पहले मिक्सचर बनाई थी उसके साथ ये व्हिपिंग क्रीम अभी अभी जो मैं मिक्सी में बनाया इसको मिक्स करूंगी। और एक बात याद रखना है, ये सारी चीज अभी मैं क्लॉकवाइज मिक्स करूंगी, और एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा बीट नहीं करना है। तो स्पून से ही मैं धीरे धीरे इसको फोल्ड करके मिक्स कर लूंगी। ये सारी चीज मिक्स होने के बाद इसको मैं केक टिन में डाल दूंगी, और इस तरह से कुछ इसको सेट करके मैं फिर से इनको फ्रीजर में डाल दूंगी। और 4-5 घंटे इसको सेट होने के लिए मैं रख दूंगी। और मीन वाइल मैं मतलब आधे घंटे बाद भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप 1-2 घंटे बाद ये चीज कर सकते हो। अभी मैं स्टार्ट किया ऊपर की टॉपिंग बनाना। तो इसके लिए मैं एक एप्पल ले लिया। एप्पल को अच्छे से पील करके उसके बाद इसको एकदम पतला पतला पीसेस में मैं काट कर लूंगी। एंड उसके बाद मैं शुगर कैरामलाइज्ड करके उसमें एप्पल डाल के एप्पल को कैरामलाइज्ड करूंगी। इसके साथ ही मुझे और एक चीज चाहिए, वो
है दालचीनी पाउडर, तो मैं वो मिक्सी में पाउडर कर रही हूँ। यहाँ पर करीबन मैं 2/3 कप शुगर यूज किया, और शुगर को मैं थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे कैरामलाइज्ड किया। शुगर कैरामलाइज्ड होने के बाद अभी मैं इस कैरामलाइज्ड शुगर में ऐड करूंगी बटर। लगभग मैं 75 ग्राम बटर यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ। एक बार में पूरा बटर ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके बटर ऐड करना है और उसको मिक्स करना है। कुकरे हाँ, थोड़ी सी मैं करीबन 1/4 कप हैवी क्रीम मिक्स किया, और उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी दालचीनी पाउडर ऐड किया, मतलब 1/2 टीस्पून करीबन, और एप्पल को इस तरह से पतला पतला कट करके उसके साथ ये मिक्सचर के साथ मिला लिया। फिर इस मिक्सचर को मैं केक के ऊपर डालने वाली हूँ अभी। तो केक के ऊपर पहले ये कैरामलाइज जो एप्पल है मेरी, इसको अच्छे से सेट करेंगे, उसके ऊपर से बचे कुचे सिरप मैं डाल दूंगी और हो जाएगी मेरी केक रेडी। तो है ना ये बिल्कुल ब्रेथ फ्रेंडली केक, इसमें कुछ भी मैदा या एक कुछ भी यूज नहीं हुआ, एकदम ब्रेथ के दिन पे ये आप खा सकते हो। तो शिव जी को पानी वानी डालने के बाद हम थोड़ी सी ये केक कटिंग सेरेमनी करेंगे और हस्बैंड ये केक टेस्ट करेंगे। तो चलो, हर बारी शादी के बाद से अंशुमन मेरे साथ शिवरात्रि के व्रत करते हैं, तो उनका भी फास्टिंग रहता है। फ्रूट्स खा लेते हैं अगर उनको बहुत काम का प्रेशर होता है, वो नहीं कर पाते हैं तो बस पूजा कर लेते हैं। पर इस बार वो घर पे ही है, तो इसलिए वो पूरा एकदम नियम अनुसार फास्टिंग कर रहे हैं, तो मैं इसलिए इस तरह की केक बना रही हूँ, एकदम ब्रेथ फ्रेंडली, जो पानी डालने के बाद वो खा सकते हैं। मामा किते जाची रुको। हाँ, तो आज हम एक्चुअली आज अंशुमन का बर्थडे है, तो अंशुमन के बर्थडे के लिए मैं और विहान गिफ्ट मतलब पैक करने वाले हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, वही मतलब घर पे जो चीज़ है उससे ही कुछ नया खरीदने नहीं जाएंगे, घर पे जो है चीज़ उससे एक गिफ्ट बास्केट बनाने वाले हैं, ठीक है? तो ये ना बिहान के लिए भी बहुत फन है और मेरे लिए भी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये देखो एक नेट है, तो ये ना मेरे घर पे तो बहुत नाले देखा जाए ना, तो ये नेट है, ये डेकोरेशन के लिए खास करके यूज होते हैं। खुलिस ना, रुक जा। तो ये मेरे पास पहले से थी एक्चुअली, मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो मैं अभी इससे ये कुछ करने वाली हूँ, रुक जा। तो सबसे पहले ना, और ये है एक बाजार में जो केक या पाई कुछ मिलता है ना, उसका नीचे का जो बेस है रहता है वो, मैं ना हमेशा क्या करती हूँ उसको वॉश करके रख देती हूँ स्टोर करके,
कहीं और मुझे काम आ जाए। कभी भी मैं घर पे केक बनाती हूँ इसके ऊपर दे देती हूँ, नहीं तो कोई गिफ्ट हैम्पर बनाती हूँ, कुछ ना कुछ मैं बनाते रहती हूँ। तो इसलिए तो अभी मैं इसको यूज करूंगी, तो आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इस नेट की एक मेजरमेंट ले लूंगी, बहुत सिंपल सा बनाएंगे हम। अच्छा, इस तरह से कुछ जस्ट जस्ट आंखों देखा मेजरमेंट, उतना एकदम परफेक्ट होने की जरूरत है नहीं। इसको मैं हटा देती हूँ। अच्छा, मैं एक बात बोलना मिठाई चाहती हूँ, अगर ये नेट घर पे नहीं हो तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिठाई खरीदने की जरूरत नहीं है। घर पे हमें मिठाई वेट घर पे ना हमेशा हमारे पास वाइट वाला चुन्नी दुपट्टा ये सब रहता है, तो उससे भी हम काम चला सकते हैं। पुराना अगर आपके पास है अनयूज्ड, जो मतलब आप यूज अभी नहीं कर रहे हो, अगर आप यूज कर रहे हो उससे भी आप बनाकर घर पे ही अगर सेलिब्रेशन करना है तो गिफ्ट दे दो, फिर बाद में खोल कर रख दो। तो यह किटकैट का स्टिक्स जो पहले से मेरे घर पे पड़ा हुआ था, तो उससे मैं अभी एक गिफ्ट हैम्पर बनाने वाली हूँ। नो, जो अच्छे से डेकोरेट करो इसको, एरम भरे एरम भरे मॉडर्न ब्लैक फ्रेम करते हो। दिया तो ब्लैक कैसा दिया हुआ, गुटो व्हाइट ओके। ये हार्ट बिहान बनाया पापा के लिए, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा लव ऐड कर रहे हैं हमारे गिफ्ट में। बहुत एक्सपेंसिव है ये, आप मॉल में जाओगे ना बहुत एक्सपेंसिव होता है। जस्ट इतना समय ले लिया, तो इससे जस्ट इसको ऐसे ही ऐसे पकड़ कर ना ऐसे हम बनाएंगे। ये हो गई हमारा गिफ्ट हैम्पर रेडी। अभी कुछ और हम करेंगे, ये बस के था मेरे पास, इसके अंदर हम और ये बियाना एक कार्ड बनाया पापा के लिए, मैं वो लिख कर दिया उसको, अंदर कलर किया ये वाला। और ये जो ये बैलून है ये बिहान खुद अपने हाथों से बना है, ठीक है। तो ये कार्ड हम यहाँ देंगे, ये मेरे पास ये मोती का हार है, तो हम इसके यहाँ थोड़ा इसका कुछ जस्ट ऐसे ही सुंदर दिखने के लिए करें। हैप्पी बर्थडे, रुक जा रुक जा। हाँ 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 इखने वोशिंग करी, इखने वोशिंग करी। तुम्हारा माता है? यस। ना। इट्स फन, इट्स फन, इट्स फन, इट्स फन। पूरे पूरे ना, बाबा धोरे आ चे, बाबा धोरे आ चे, बाबा भाव को धोरे आ चे। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा, हैप्पी बर्थडे।
किया। अंदर देखो अंदर, बिहान बनाया अपने हाथों से, मैंने थोड़ी सी हेल्प किया। ये थैंक यू। और हमारा ये गिफ्ट हैम्पर कैसे हमने खुद हाथों से बनाया। सारा आपका फेवरेट खाने का चीज। उरे बाबा वेरी गुड, কাগজটা ওয়েস্ট করবো না, তাই জন্য এই স্টাইল। বহুত গুড, আই লাইক দিস আইডিয়া। আমার গিফট রিমোটো, আমার এটা ফেভারিট গিফট। না, এটা এটা সেফটি রাখো, পকেট রাখো, পকেট মন্ডে দিও। ওকে মামা, চেনে লাগবে। হ্যাঁ, এখন পকেট রাখো, এখন পকেট রাখো। আমার পকেট নেই। মামা হাতে দিয়ে দিচ্ছে। ইয়েস, মেকানে যাবো। सुनो, फ्रूट केक है, इसमें बिल्कुल भी फ्लोर नहीं है, एकदम आपका ब्रथ फ्रेंडली है, ब्रथ फ्रेंडली केक। ये क्या कर रहे हो? समझे, एकदम ब्रथ फ्रेंडली केक है। यस यस यस, कुछ भी फ्लावर, एक कुछ भी नहीं है इसमें, सूजी कुछ भी नहीं है। अच्छे से एक स्लाइस कट कर इधर दो। ये इससे कट नहीं हो रहा है, इससे होगा। गेस्ट कट करो, ले लो अच्छे से, एक अच्छे वाला स्लाइस कट करो। बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहे हैं, मेरे आवाज नहीं निकल रहा है। एक्चुअली आज डबल डबल चीज था ना, तो बहुत मैं थक गई। एक तो अंशुमन का बर्थडे था और शिवरात्रि भी था, उसका फास्टिंग था, तो कुछ बर्थडे का थोड़ी बहुत कुछ प्रिपरेशन किया और फिर शिवरात्रि का जो भी रिचुअल्स होता है वो सब किया। और मैं ना फोर्थ टाइम पानी से उनको मतलब अभिषेकम करती हूँ, जो चार पहाड़ में होता है ना वो वाला। तो मंदिर भी हम गए हुए थे रात को और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं सोची थी कुछ शूट करूँगी तो कैमरा भी लेकर गई थी, पर वहाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी, बहुत सारी कैमरा थी और बहुत सारी चीज़ करना था हमें, क्योंकि कोविड है इसलिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब थी। तो इसके चक्कर में मेरा ये नहीं हो पाया, शूटिंग नहीं हो पाया। और फिर आते वक्त हम भीग गए थे और आकर फिर मुझसे नहीं हुआ ब्लॉगिंग। मतलब एक्चुअली मैं भूल गई थी मुझे ब्लॉगिंग भी करना है, क्योंकि इतना सारा कुछ हौचपौच हो गए थे ना और इतना ज़्यादा मैं टायर्ड थी, तो मैं भूल गई थी। ऐसे पूरा रात हम जागे हैं, मैं और अंशुमन। हाँ, 2 बजे तक पूरा जागे हुए थे, फिर सो गए थे। फिर मतलब ऐसा ही पूरा नींद नहीं था, पर लाइट ऑन करके सोए थे, बस थोड़ी सी नैप लिया। उसके बाद शायद हम 5:30 बजे फिर सूट गए, फिर नहा धोकर फिर से लास्ट वाला जो पानी देना होता है वो दिया और उसके बाद फिर से सो गए हम दोनों। और अभी मैं उठी हूँ और कुछ ही देर में अंशुमान भी उठ जाएंगे और बिहान भी उठ जाएगा।
तो हम जो पूरा हमारे रिचुअल्स कंप्लीट हो चुके हैं अभी, तो वो तो मैं शूट नहीं किया, पर लास्ट में मैं ये सारा रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद क्या क्या हम करते हैं वो मैं ज़रूर शूट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो देखो हम हमारी जो लास्ट रिचुअल है वो हम कैसे करते हैं। अभी शिव जी का अभिषेक कर प्रिपरेशन चल रहा है पूरा लगातार 4 times नहाने की बात। अभी फाइनल नहाएंगे फिर वो मंदिर में चले जाएंगे। मिल्क और पानी दही जो उसका बनता है ना अभिषेक का, वो सब सामान से नहलाया तो शिव जी थोड़ी ऑयली ऑयली हो चुके हैं, तो अभी उसको अच्छे से साफ करके नहाना, अभी विश्राम के लिए वो नहाएंगे, तो उसका प्रिपरेशन चल रहा है। तो क्या क्या यहाँ लिया जा रहा है इसके लिए, हनी, घी और ये क्या है, चंदन पाउडर। एक्साते मिशियो ना, घीटा अलग रखो, घीटा पूरा भालो कर मेरे दबे, घी जो तो मेरे सामने ठाकुरटा तो कालो है, चकचके है, तेल तेले है, घीटा अलग प्लेटे नाओ। पाथुरे बाटीटा तो घी माखी रखो। अभी आप अच्छे से पानी से नहलायो। तो हम ये फ्लस्क जो है ना, हम नया खरीदे है, हमारा श्रीमान जी का शौक है नया चीज़ों से भगवान को नहलाएंगे, इसलिए फ्लस्क ले आए उन्होंने नहलाने के लिए। चलो अच्छा, ठंड पानी से नहीं नहला रहा है, गर्म पानी से नहलाया जा रहा है शिव जी का। शिव जी देखो आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है, ठंड की मौसम पे आपको ठंड पानी हम नहीं दे रहे है। बच्चों के साथ ऐसे ही पूजा होती है, देख लो सब। मम्मी ब्रश खोजी, मैं मम्मी के पास जो कलर वाला नंदी देखा डेकोरेशन वाला, मुझे वो चाहिए, मैं कभी जब भी मुझे मिलेगा मैं वो खरीद के लाऊंगी, मुझे वो ज्यादा बहुत सुंदर था वो वाला नंदी, इससे थोड़े से बड़ा था वो। नेक्स्ट आपको चंदन, उसको चंदन से ये करना होगा, फिर ये रेडी हो जाएंगे, फिर फूल देकर आप ऊपर जहाँ रहते हैं वहाँ लेकर रख दो। चंदन और हनी का पेस्ट, हाँ चंदन और हनी लगा दो अभी, ठीक है, फिर ऊपर हमारे भगवान जी जहाँ रहते थे पहले वहाँ रख कर आ जाओ, ठीक है, और थोड़ी भोग लगा देना।